सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, जो भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। विश्वोत्पत्यादि हेतवे, ऐसे भगवान जो तापत्रय विनाशाय सारे दुखों को दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम राधा सहित नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण को राधा सहित नमस्कार, अकेले कृष्ण को नमस्कार नहीं करते, राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषु। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान निकल पड़े संन्यास लेने के लिए। क्या लेने के लिए? संन्यास। संन्यास कब ले लेना चाहिए मैया? मैया संन्यास कब ले लेना चाहिए? 4 साल में 60 तो आपकी होगी 60, फिर हुआ संन्यास? 60 साल कह रही है मैया जी, 60 साल में सन्यास ले लेना चाहिए। वैसे 75 साल बताया है, सन्यास की उम्र है 75 साल। 25 तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थ, 75 तक वानप्रस्थ, 50 के बाद वानप्रस्थ, अब 75 के बाद है ना संन्यास। 25-25 को 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 25 ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ। ये वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ आश्रम का मतलब क्या है? वान की, वन की ओर प्रस्थान, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम मतलब वन की, वन मतलब जंगल की ओर क्या करेंगे? प्रस्थान, वानप्रस्थ आश्रम मतलब भ्रमण, मतलब 50 साल तक गृहस्थी में रहो मस्त, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, जिम्मेदारियों के साथ, कमाओ पैसा, फैक्ट्री, बिजनेस, व्यापार चलाओ, खूब पैसा कमा लो 50 साल तक जोर लगा के, पर 50 के बाद फिर भ्रमण, संसार से मोह कम, परिवार से नाता कम, अब तीर्थों की यात्रा, वानप्रस्थ, वन की ओर प्रस्थान। तीर्थ, जयकनाथ जगन्नाथ जी में रहो 1 महीना, तिरुपति वाला जी में रहो 1 महीना, विट्ठलनाथ जी के चरणों में रहो 1 महीना, बद्रीनाथ जी में रहो 1 महीना, द्वारिकानाथ जी में रहो 1 महीना, ऐसे तीर्थों में टाइम अपना बिताओ। और जब 25 साल भ्रमण कर लो, सारे तीर्थों का सेवन कर लो, सत्संग कर लो, और जब सत्संग करेंगे, सेवन करेंगे तीर्थों का, तो 25 साल तक इतना करोगे तो अपने आप पक जाओगे, और जब पक जाओगे तो यही तो सन्यास हो जाएगा, फिर अपने आप आपका मन संसार से हट जाया, सन्यास हो गया। लेकिन आजकल का आदमी 80-90 साल तक चिपका है परिवार से, निकलते ही नहीं, बच्चे लात मार रहे हैं, लात मार मार के निकाल रहे हैं,